ताज नगरी आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम को लेकर उत्तर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपको बता दें कि आगरा शहर में एक म्यूजियम बनाया जा रहा है जिसका कार्य फंड की कमी के अभाव से सरकार ने रोक दिया है, लेकिन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस म्यूजियम को लेकर सियासी गलियारों में उथल पुथल मचा रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया, जिससे सभी राजनीतिक दलों में गहमा गहमी का माहौल पैदा हो गया। सर, जिस प्रकार देखने में आया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है, इस पर आपकी पार्टी की और आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमें नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात से ये सिद्ध होता है कि मुख्यमंत्री जी के अंदर कितना विवेक है। मुख्यमंत्री जी ने पहले इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया, तो क्या इलाहाबाद बदल गया? मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले 100 नंबर था उसको बदल कर 112 कर दिया, तो क्या उसमें कुछ बदल गया? अगर मुख्यमंत्री जी को बदलना ही है तो आगरा के लिए कुछ विकास कार्य ला करके आगरा की जो बदहाली है उसको बदलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को अगर कुछ बदलना है तो लोगों के लिए आर्थिक स्थिति खराब पड़ी है उसके लिए कुछ करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को कुछ बदलना ही है तो कोरोना जैसी महामारी में जब लोग आज मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, उस समय पर नए हॉस्पिटल ला कर अगर नया नाम रखते तो जनता को भी खुशी होती और हमें भी खुशी होती। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, ये केवल आपस में मतभेद कराना चाहते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, भाई भाई को से भाई भाई से लड़ाना चाहते हैं। ये लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि लोग आपस में भैर भाव से रहें और ये अपनी राजनीति रोटियां सेकते रहें। आम आदमी का क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है नाम बदलने से? आम आदमी का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ना ही किसी का भी कोई फ़ायदा होने वाला है। ये लोग जब इन पर कुछ नहीं आता है ना, तो ये लोग बस केवल नाम बदलते हैं। ये कि माननीय अखिलेश यादव जी के कराए हुए विकास कार्यों पर अपनी शिला पट्टिका लगा करके उनका नाम बदल के ये उद्घाटन करने वाले लोग, ये क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, केवल नाम बदलना जानते हैं और वो कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी आज की डेट में फेल हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। ऐसी सरकार को और ऐसे मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर राष्ट्रपति शासन लगाकर यहाँ चुनाव कराना चाहिए। ताजनगरी आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि शहर आगरा के अंदर एक म्यूजियम तैयार किया जा रहा है जिसका नाम मुगल म्यूजियम है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर नाम रख दिया है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का माहौल बदल गया। समाजवादी पार्टी के आगरा जिला अध्यक्ष रामगोपाल बघेल का कहना है, इलाहाबाद का नाम बदलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज कर दिया। वो मुख्यमंत्री से पूछते हैं कि प्रयागराज नाम रखने से आम जनता का क्या भला हुआ? वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रामगोपाल बघेल का कहना है, 100 डायल जो सुविधा समाजवादी पार्टी में शुरू की गई थी उसको 112 कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, इससे आम जनता का क्या भला हुआ? आगरा के अध्यक्ष रामगोपाल बघेल का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना काल में अपनी जान गंवा रहे लोगों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित ना करते हुए नाम बदलने में लगे हुए हैं, इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विवेक साफ जाहिर होता है।